हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रही हैं कि मैम, आपको प्रेगनेंसी हो गया कि नहीं हुआ, आपको पीरियड्स आए कि नहीं आए, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही, आप हमसे छिपा रही हैं। ऐसे ही मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से कि अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और लास्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ है कि मुझे पीरियड्स आए ही नहीं है, बहुत स्पॉटी सा पीरियड्स आया मुझे, जो कि मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके अंडे प्रॉपरली बने हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो इसीलिए मुझे कुछ खास मेडिसिन भी नहीं चल रही है। तो डॉक्टर की तरफ से सब कुछ सही है, सब कुछ एवरीथिंग इज सब कुछ सही है, लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है ये पता नहीं चल रहा है गाइज। और अब पीरियड्स जो था वो मुझे स्पॉटी आया है, तो अब डॉक्टर का ये बोलना है कि हम उसको पीरियड्स भी मान सकते हैं और हम उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी मान सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड में जो दिख रहा है वो एक की वजह से मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं बना है। इस बार मैम ने बोला कि आप लोग साथ में रहिए, आप लोग जो भी हैं वो साथ में रहिए, और जो भी वो ऊपर वाले के हाथ में ज़्यादा है, तो मैं भी अभी ऊपर वाले के ऊपर में ही हूँ कि बस ऊपर वाले कहना जी सुन ले। एंड रही बात मेरी गाइस, तो देखिए मैं अपनी बात अब ज़्यादा इसलिए नहीं करती क्योंकि लोगों के ही क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूँगी तो फिर मैं लोगों के क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पाऊँगी। इसलिए मैं अब से क्या करूँगी, जब भी कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसमें एक दो क्वेश्चन में सबके पुट करके उसको बताती भी चली जाऊँगी। और रहा बात मेरा, तो एक चीज़ याद रखिए, मेरे साथ अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसलिए बताऊँगी क्योंकि आप लोग मोटिवेट होंगे और आप लोगों को बिलीव होगा कि हाँ भैया हो सकता है ये चीज़, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी महिला है ना जो कितने सालों से ट्राई कर रही है, कोई रिजल्ट उनको नहीं आ रहा है, तो मैं उनको गलत होप नहीं देना चाहती हूँ। और आपको पता है कि मैं किसी को भी फॉल्स नहीं बोलती हूँ गाइस, और फॉल्स बोल के क्या मिलेगा बताओ आप ही, आखिर एंड ऑफ द डे तो सच्चाई सामने आती ही है ना। तो इसीलिए, और मैं आप लोगों को मेडिकली नॉलेज है, मेडिकली काम किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प करती हूँ कि हाँ ये चीज़ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेरे वीडियोस पे, कि आपको जो भी दिक्कत आती है आप मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। लेकिन रहा मेरा बात, तो मेरा अभी पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा मैं बताऊँगी। क्योंकि देखिए हर एक महिला को मैं एक बात बोलूँगी कि हम अपनी तरफ से सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, जो भी टेक्निकली और जो भी डॉक्टर बोलते हैं हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऊपर वाले के हाथ में होती है। लास्ट टाइम मैंने अपनी मौसी से आप लोगों को मिलवाया था, मैं आपको बता दूँ, बताया वो मेरी मेंटोर है, मतलब मुझे जब भी कोई दिक्कत होती है, मतलब मेंटली प्रॉब्लम जब भी होती है, कोई भी बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ, पता नहीं क्यों एक एनर्जी आती है मुझे। और देखिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ आप लोगों की तरह, मेरी शादी को 5 साल लग गया है और मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितनी आप है, ऐसे नहीं है, लेकिन बस यही बात है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज कर लिया है मैंने अब, और जो भी होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है। और रहा बात, कोई अच्छी मेडिसिन है कोई ख़राब मेडिसिन है, हर तरह की चीज़ है, बट हमको उसमें से अच्छी चीज़ों को लेना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है, बस दैट्स इट, यही सिंपल सा फंडा है इस चीज़ का। तो इसीलिए गाइस आप लोग भी मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। और मेरी तो नहीं लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी महिलाओं को गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी महिलाएं जो मेरी पहले गायनोवेदा की वीडियोस देखती थी आज वो मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रही है कि मैम मुझे प्रेगनेंसी हो गई, मैं गायनोवेदा से प्रेगनेंट हो गई, और गायनोवेदा के इतने सारे रिजल्ट मुझे देखने भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने भी कभी नहीं बोला कि गायनोवेदा ख़राब है गाइस, लेकिन बस होता है ना कि किसी पे काम किया किसी पे नहीं काम किया, तो यही चीज़ मेरे साथ हुआ कि शायद मैंने उसको कम समय के लिए लिया या जो भी कुछ हुआ, तो इसीलिए गायनोवेदा के रिजल्ट अब दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। और गायनोवेदा ने जब से अपना ऑफलाइन सेगमेंट्स चालू किया है तब से उनके पॉजिटिविटी के चांसेस बहुत और ज़्यादा बढ़ गए। और एक चीज़ और बता दूँ कि गायनोवेदा में अब कस्टमाइज मेडिसिन बन रही है। सपोज कस्टमाइज मेडिसिन का मतलब ये होता है कि सपोज़ किसी को 3 साल से PCOD है, किसी को 10 साल से PCOD, किसी को 15 साल से PCOD है, सेम मेडिसिन 3 साल 10 साल 15 साल पे काम नहीं करेगी। वो मेडिसिन को वो पेशेंट को पूरी तरीके से काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग के बाद में समझा जाएगा कि इनकी जो मेडिसिन है उनके इंग्रेडिएंट क्या होंगे, कौन सा इंग्रेडिएंट पड़ेगा, इंग्रेडिएंट का परसेंटेज भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके
तरीके से अब कस्टमाइज मेडिसिन दी जा रही है। दूसरी चीज़ है, गायनोवेदा में मेल के लिए भी मेडिसिन आ चुकी है, मतलब अगर आपके पार्टनर को स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, मोटिलिटी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको गायनोवेदा में बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो आप गायनोवेदा में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका शायद से दिल्ली या नोएडा में इसका सेंटर खुला है, तो अगर आप चाहें तो आप गायनोवेदा के जो कस्टमर केयर हैं उसमें बात करके आप उनके एड्रेस ले सकते हैं और जाके वहाँ पर भी दिखा सकती हैं। फीस विल भी चार्जेबल, वो तो होगा ही होगा, तो आप जाके दिखा सकती हैं। आपको जो भी डाउट है गायनोवेदा को लेके, वो डाउट आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे गाइस, और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहा है। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके कमेंट्स जो है वो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, जो आपको बिलीव हो जाए। और आप तो बिलीव नहीं करोगे, मेरा अगर मैं मेल खोलती हूँ ना, मैं तो मेरे मेल आईडी पे पर डे 200-300 मेल आते हैं, जिसमें से मैं कुछ पढ़ पाती हूँ कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसीलिए गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं भी पढ़ पाती हूँ, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। लेकिन आप लोग जब मेरे वीडियो में कमेंट्स करते हो तो मैं डेफिनेटली उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन ऑन रहता है, मुझे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं आपको, आप लोग गौर कीजिएगा कि विद इन एक मिनट के अंदर आप लोग को रिप्लाई मिलता होगा। रीजन क्योंकि मैं अपने वीडियो में आए हुए कमेंट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ, और मेल के लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जितने भी क्वेश्चन करना है ना, वो मेरे वीडियो में करिए, ताकि आप लोगों को रिप्लाई मिल पाए और आप लोग को वेट ना करना पड़े। और आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मेरा कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। और रही बात गायनोवेदा की, तो हाँ गायनोवेदा के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप लोग ले रहे हैं ऑलरेडी गायनोवेदा, तो उसको कंटिन्यू ही रखिए, उसको अभी बिल्कुल छोड़िएगा मत, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, है ना, तो कंटिन्यू करिए। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ, बस अपना छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।